ओ भाई ये क्या रहा चलिए मेन को कर लो कार्रवाई हो रही है सर यहाँ पर पुलिस के द्वारा सारी एंगल्स पे और सारे एस्पेक्ट पे कार्रवाई हो रही है। पहले तो अलग अलग टीम है सबकी, पुलिस की, रेलवे की टीम है, रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जो जनरल पुलिस है वो भी है। तो सभी लोग पहले यही देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर तो फंसा तो बचा तो नहीं रह गया। जितने भी यहाँ पर नजर आए सबको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एक कैजुअल्टी की भी सूचना मिली जिसका आधिकारिक पुष्टि करना भी बाकी है, उसको भी ले जाया गया। और बाकी एक बोगी जो है जो थोड़ा सैंडविच है उसको काट कर देखने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर तो कोई फंसा तो नहीं है। हादसे के पीछे वजह क्या लग रही है सर, इतना बड़ा हादसा? हम टेक्निकल टीम से नहीं है, इसका एग्जैक्ट कारण तो वो जो रेलवे की टेक्निकल टीम है वही बता पाएगी। आप मुआयना कर रहे हैं ट्रैक का जी। धन्यवाद, थैंक यू। इनका इलाज पीएचसी रघुनाथपुर में किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 पेशेंट जो हम लोगों को लगे कि सीरियसली या क्रिटिकली इंजर्ड है उनको एम्स में के लिए भी हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठा के रवाना कर दिया है। उनके परिजनों और बाकी सब लोगों का कांटेक्ट भी हम लोगों ने ले लिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी आप लोग देख सकते हैं मोबिलाइज हो गई है। भोजपुर जिला और रोहतास जिला से भी एम्बुलेंसेस कई मात्रा में जो है रवाना कर दी गई है, वो भी शीघ्र पहुँचने में है। तो जो भी प्रयास है जिला प्रशासन के स्तर से किया जाना है आप लोग देख सकते हैं, हर संभव किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की भी अच्छी भूमिका और योगदान जहाँ पे रहा है वो भी धन्यवाद के लिए। हादसा का वजह क्या लग रहा है सर? नहीं अब ये तो मैं कैसे बताऊँ। तो कितने दिन हो गए सर मिले हैं? अभी तक 4 मतलब जो है मृत व्यक्ति पाए गए हैं, उनको हम लोगों ने पीएचसी भेज दिया है। जो है आगे का अभी भी शव निकाला जा रहा है सर? क्या जी अभी शव निकाले जा रहे हैं? नहीं अब वो तो पता नहीं उसको, बट जो बोगी ओवरटर्न हो गए उसको हम लोग काट के और फिर निकाले। सर बोगी आपस में रिसीव हुई है? नहीं 3 ही बोगीज हैं जो सिवियरली हैं, ये जो दिख रहा है जी।